पूर्णिया के बाईसी थाना क्षेत्र के जनता चौक हमारा पेट्रोल पंप परिसर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महासचिव सैयद इब्राहिम एवं राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य फहीम शेफी के प्रवास के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सैयद इब्राहिम ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए भाजपा सरकार लगातार कार्यरत है। विभिन्न प्रकार की योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें माइनॉरिटी को खासकर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि इस क्षेत्र में लोग भ्रमित होकर भाजपा से दूरी बनाते हैं और कई पार्टी जातिवाद के नाम पर हिंदू का पार्टी बताते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी माइनॉरिटी के लिए खासकर कई योजना चला रहे हैं। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य फहीम शेफी ने बताया कि भाजपा परिवार सभी जाति धर्म को लेकर चलने का कार्य करती है। सबसे पहले तो मैं पेशी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को, खास करके हमारे जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखा मैंने, और इधर जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कामना करता हूँ खुदा से कि ये हमारा प्यार आपस में भाईचारा हमेशा बना रहे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आज सरकार काम कर रही है, खास करके अल्पसंख्यक लोगों के लिए, वो एक इतिहास है। आज से पहले किसी पार्टी ने इतना कार्य नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने माइनॉरिटी मोर्चे के लिए और माइनॉरिटी समाज के लिए करे। आज हमारे माइनॉरिटी मोर्चे से दानिश आज़ाद यूपी से एक स्टेट के महामंत्री थे माइनॉरिटी मोर्चे से, उन्हें महामंत्री को आज यूपी सरकार में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उधर आज उन्हें एक मंत्री का दर्जा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी की सरकार में आज उन्हें मंत्री बनाया गया। एक हमारे जैसा आम व्यक्ति थे, वो एक कार्यकर्ता थे पार्टी के, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी कभी भी अपने वर्कर को इग्नोर नहीं करती। वो जो पार्टी के लिए ईमानदारी वफादारी से काम करेगा, उसे एक न एक टाइम पे उसका फल जरूर मिलता है। दो दिन का जो प्रवास है बाईसी विधानसभा में, हमारे जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी विंग राष्ट्रीय वो आए हुए हैं ब्राह्मण सर, और यहाँ पे दो दिन का प्रवास है। दो दिन के प्रवास में माइनॉरिटी विंग गरीब गुरबों मुस्लिम के यहाँ जाएंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि मोदी जी का जो प्रोग्राम था, क्या उससे वो लाभ उठाए हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम मोदी जी का किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता है, वो हर वर्ग विशेष का होता है। अगर वो जलवायु योजना है तो मुस्लिम को ही मिला है, किसान कहेंगे मुसलमान को ही मिला है। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है, तुम इसमें सटोगे तो तुमको मार देगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कितना दंगा हुआ है यूपी में मुझे बताइए, और जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी, कांग्रेस की पार्टी थी, कितना दंगा है कौन वो आपको आंकड़ा, आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आपको खुद मालूम है। तो ये विपक्ष वाले बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कि हम मुसलमान के दुश्मन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों का जो रिस्पेक्ट भाजपा देगी, वो कोई पार्टी दे ही नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा का माध्यम से आज और कल दो दिन पूरे बिहार के अंदर हमारा माइनॉरिटी का भाई बहन को मिलके हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जितना योजना है, उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी जितना फ़ायदा होता है, वो सब उनसे मिलके बात करके ये भारतीय जनता पार्टी का और माइनॉरिटी कौम का अंदर एक मोहब्बत का हाथ चलाने के लिए, बात चलाने के लिए हम लोग इधर आए हैं। पूर्णिया जिला में किशनगंज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक 22 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम पूरे मुसलमान और क्रिश्चियन भाई बहन को मिलके बात हो रहा है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।